हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिरर ऑफ साइकोलॉजी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ साइकोलॉजी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के इस वीडियो में हम प्रिंसिपल्स ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग के बारे में जानेंगे। इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि किस तरह से हमारे ब्रेन में आने वाली इन्फॉर्मेशन को हम रिसीव करते हैं, यानी कि इनकोड करते हैं, उसे अपने ब्रेन में स्टोर करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसे यूज़ में लाते हैं। तो इस तरह से इनकोडिंग, स्टोरिंग एंड यूजिंग के प्रोसेस को ही इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग कहा जाता है। मान लीजिए कि आप फर्स्ट टाइम किसी से मिले और उस पर्सन ने आपको अपना नाम वर्षा बताया, तो ये जो इन्फॉर्मेशन आपने सुनी है ये आपका ब्रेन एक ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन की तरह लेता है, जिसे ही इनकोडिंग कहा जाता है। अब ये इन्फॉर्मेशन आपकी ब्रेन की शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाके स्टोर होती है कुछ समय के लिए। अगर आप उस पर्सन का नाम ज़्यादा लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं तो आपको ये इन्फॉर्मेशन आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर करनी पड़ती है। इसके लिए या तो आपको रिहर्सल करना पड़ता है, यानी कि उस नाम को बार बार अपने दिमाग में रिपीट करना पड़ता है, या फिर उस इन्फॉर्मेशन को किसी चीज के साथ एसोसिएट करना पड़ता है। तो जैसे कि वर्षा का मतलब होता है बारिश, तो इस तरह से आप उस नाम को किसी चीज के साथ एसोसिएट करके लंबे समय तक याद रख सकते हैं। और फिर जब आप उस पर्सन से दोबारा मिलते हैं तो आप अपनी मेमोरी से उस इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करते हैं। तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन को एनकोड करने, स्टोर करने एंड यूज करने के प्रोसेस को ही इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग कहा जाता है। इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग के चार प्रिंसिपल्स हैं। पहला है लिमिटेड कैपेसिटी, दूसरा है कंट्रोल मैकेनिज्म, तीसरा है टू वे फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड लास्ट है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। लिमिटेड कैपेसिटी का मतलब होता है कि एक समय में हमारा ब्रेन लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही प्रोसेस कर सकता है, जितनी चाहे उतनी इन्फॉर्मेशन हम प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से एक कंटेनर में उतना ही लिक्विड फिल किया जा सकता है जितनी की उस कंटेनर की कैपेसिटी हो। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई मैथ्स का सम सॉल्व कर रहे हैं और उसी समय आपकी कोई फ्रेंड आपसे मिलने आ जाए और आपको कोई स्टोरी सुनाने लगे, तो आप दोनों ही चीजों पर एक साथ फोकस नहीं कर पाएंगे और आपकी प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगी। जिसे एक बॉटल नेक रेस्ट्रिक्शन का एग्जाम्पल दिया जाता है, जिस तरह से एक बॉटल के नैरो नेक की वजह से उसमें से उतनी ही लिक्विड पास हो सकती है जितना उसका नैरो नेक उसे अलाउ करता है। हमारे ब्रेन में होने वाला इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑटोमेटिक नहीं होता है, इस पे एक कंट्रोल मैकेनिज्म काम करता है जिसे ही एग्जीक्यूटिव फंक्शंस मोस्टली कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई फर्स्ट टाइम कुकिंग करना सीख रहा होता है तो उसे पहले बेसिक कुकिंग स्किल्स सीखने पड़ते हैं, जैसे कि गैस स्टोव कैसे ऑन करना है, हीट को कैसे कंट्रोल करना है, इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से इकट्ठे करने हैं, उन्हें चॉप कैसे करना है, खुद की सेफ्टी कैसे बना के रखनी है। तो ऐसे समय में हमारे सारे कॉग्निटिव प्रोसेसेस जैसे कि एनकोडिंग, स्टोरिंग, रिट्रीविंग एंड यूजिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। पर जैसे जैसे हम इस स्किल्स में एक्सपर्ट होते जाते हैं, हमारे ब्रेन पे पड़ने वाला ये कॉग्निटिव लोड कम हो जाता है और हमारे कंट्रोल मैकेनिज्म को उतना काम नहीं करना पड़ता है जितना फर्स्ट टाइम कुकिंग सीखने में करना पड़ रहा था। मान लीजिए कि आप एक जंगल के रास्ते से होते हुए जा रहे हैं और आपको झाड़ियों के पीछे से कोई आवाज सुनाई देती है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके कानों से होते हुए आपके ब्रेन तक पहुंचती है। तो जब कोई इन्फॉर्मेशन हमारे सेंसरी ऑर्गन से हमारे ब्रेन तक पहुंचती है तो उस प्रोसेस को ही बॉटम अप प्रोसेसिंग कहा जाता है। अब अपने ब्रेन में ऑलरेडी स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन से आप ये सोचते हैं कि हम जंगल के रास्ते से जा रहे हैं तो हो सकता है कि ये आवाज किसी जंगली जानवर की हो। तो जब हम अपने ब्रेन में स्टोर्ड नॉलेज, बिलीफ एंड एक्सपेक्टेशन से किसी रीजनिंग पे पहुंचते हैं तो उस प्रोसेस को ही टॉप डाउन प्रोसेसिंग कहा जाता है। तो इस तरह से बॉटम अप प्रोसेसिंग एंड टॉप डाउन प्रोसेसिंग ही टू वे फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन है, जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग का थर्ड प्रिंसिपल है। इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग का फोर्थ प्रिंसिपल है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, यानी कि हमारे ब्रेन में इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैसे होती है ये जेनेटिकली प्रीडिटरमाइंड होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक न्यू बॉर्न बेबी ह्यूमन फेसेस की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है, इससे उसे मैटरनल बॉन्डिंग एंड फ्यूचर में सोशल इंटरेक्शन में हेल्प मिलती है। साथ ही हम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना पैदा हुए हों, हम सभी में लैंग्वेज डेवलपमेंट सिमिलर ही होता है। जैसे कि एक बच्चा पहले कुइंग करना सीखता है, फिर वो बैबलिंग करना सीखता है, फिर वो टेलीग्राफिक स्पीच प्रोड्यूस करना सीखता है, तो ये प्रोसेस हर बच्चे में ऑलमोस्ट सेम ही होती है। तो इस तरह से हमारे ब्रेन में होने वाली इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग हमारे जेनेटिक मेकअप पे भी डिपेंड करता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें।